नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर राज्य सरकार के किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजीव गांधी न्याय योजना का नाम दिया। सीएम ने यह स्कीम ऑनलाइन लॉन्च की। इस मौके पर दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सोनिया गांधी ने कहा, न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी बहुत खुश है। प्रदेश के विभिन्न कांग्रेस कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान न्याय योजना का शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस जन जुड़े। राजनांदगांव में भी विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीएनएक्स टीवी संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने विधायकों से कोरोना से लेकर किसान न्याय योजना तक सभी बिंदुओं पर चर्चा की। डीएनएक्स टीवी के खास प्रोग्राम में विधायक संगोठ में हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता ने डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल से चर्चा की। आइए जानते हैं डोंगरगढ़ विधायक ने किसान न्याय योजना पर क्या कहा। सरकार प्रयास कर रही है। सबसे पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने देश के हमारे प्रदेश को लॉकडाउन किया, इससे हम लोग उनके संक्रमण करने से बचते हैं। लेकिन अब प्रवासी मजदूर जब आ रहे हैं तो उससे संक्रमण बढ़ने में थोड़ा खतरा बढ़ गया। सबको सावधानी रखने की जरूरत है, हमेशा मास्क लगा के रखने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखने की जरूरत है। इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास समझाने का प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपने चाहेंगे कि करोना फंड भी हम लोग हमारे प्रदेश में मिले।